हाय गाइस, वेलकम बैक इन गेट फास्ट कुक। और आज हम बात करेंगे कलेक्शन के बारे में। कुछ लोगों के पास घड़ियों का कलेक्शन होता है, कुछ के पास कपड़ों का, और कुछ के पास क्रॉकरी का या मग्स का। तो सबके अपने अपने कलेक्शन होते हैं। और यहाँ जो मेरा कलेक्शन है वो है बैग्स को लेके। अभी तक जितने बैग्स मेरे पास हैं, मैं सारे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और उनसे जुड़ी मेमोरी कि वो मुझे रिसीव हुए हैं या मुझे बर्थडे गिफ्ट मिले हैं या मैंने परचेज़ की है। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि हर एक पर्स एक मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे बैग में सबसे पहला कलेक्शन ये पर्स है, जो कि मुझे राखी पे मिला था, और ये मेरे भतीजे पंकज ने दिया था राखी पे। और काफ़ी प्यारा पर्स है, इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और ये वन ऑफ माय फेवरेट पर्स है, क्योंकि इसका जो कलर है वो भी काफ़ी प्यारा है। ग्रीन, मैरून, क्रीम और ब्लैक, ये कलर ऐसे हैं जो हर साड़ी के साथ मैक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो इसमें देखिए पत्तियों का काम है, और शादी फंक्शंस में ये पर्स आपकी ड्रेस में चार चांद लगा देता है। अगर आपके पास ऐसा पर्स है तो कहना है क्या। और ये इसमें ये देखिए बीट्स भी हैं, तो काफ़ी सुंदर पर्स है, गोटा भी लगा हुआ है। तो इस पर्स को मैं फंक्शंस के लिए रखती हूँ, और फंक्शंस पे जाती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। और आपने मेरे ब्लॉग्स में भी ये वाला पर्स काफ़ी बार देखा हो। तो अब मैं जो सेकंड पर्स दिखाने जा रही हूँ वो है एक डायमंड पर्स। देखिए कितना प्यारा डायमंड पर्स है, इसकी शाइनिंग देखिए। और ये है एक वेलवेट, रेड वेलवेट, और इसके अंदर एक चैन भी लगी हुई है, जिसको आप चाहे तो क्लच की तरह यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो ये जो रस्सी है छोटी या बड़ी हो जाती है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। और काफ़ी प्यारा पर्स है, पीछे एक जिप भी दिया हुआ है। और ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने गिफ्ट किया था, काफ़ी सुंदर पर्स है। कैसा लगा ये पर्स बताइएगा मुझे, क्योंकि दिस इज़ माय वन ऑफ फेवरेट पर्स। इसके बाद जो मेरा पर्स का कलेक्शन है उसमें जो ऐड हो रहा है वो है ये वाला पर्स। देखिए कितना प्यारा कलर है इस पर्स का, और इसकी शाइनिंग देखिए। और ये वाला पर्स मेरे सासू जी ने दिलाया था, और हमने मेरे देवर की शादी थी तो हम लोग मार्केट गए थे, और पसंद आया तो उन्होंने मुझे दिलाया था। और ये काफ़ी स्पेशियस है गाइस, देखिए इसमें दो पॉकेट है अंदर, और मोबाइल रखने के लिए भी एक पॉकेट बनी हुई है जो हमें काफ़ी पसंद आई थी, और कॉइन्स रखने के लिए भी है एक पर्स इनसाइड, देखिए इधर, और पीछे भी एक पॉकेट दी हुई है। तो ये पर्स जो है वो ट्रेंडी भी है, और इसमें काफ़ी सामान आप कैरी कर सकते हैं, इसलिए ये पर्स मुझे बहुत पसंद है। जब कभी मुझे बाहर आउटिंग में फंक्शंस के लिए जाना होता है तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसी पर्स को यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये स्टाइलिश भी है, हैंडी भी है, और इसके अंदर वो भी दे रखी है, लेस भी दे, मतलब इसमें जो है रस्सी भी दे रखी है, जिससे कि आप इसको कैरी कर सकें। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ना चाहते तो आप इसको टक कर सकते हैं साइड से। तो काफ़ी सुंदर पर्स है देखिए, और इसका कलर बहुत प्यारा है। गाइस, ये पर्स मेरा सबसे नया पर्स है जो कि मैंने अभी खरीदा है, और ये भी काफ़ी प्यारा है, और इसकी जो चैन है वो बहुत प्यारी। देखिए इधर से भी आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, और इधर से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको इक्वल भी कर सकते हैं। और इसमें एक लॉक सिस्टम है, ये देखिए,
और काफ़ी स्पेशियस है, इसमें भी आप काफ़ी सामान कैरी कर सकते हैं अपना। और अंदर एक पॉकेट दे रखी है, देखिए इनसाइड काफ़ी सुंदर पर्स है। और इसका जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो मुझे बताइएगा कमेंट में आपको अभी तक कौन सा पर्स अच्छा लगा, या आपके पास भी ऐसा पर्स है ना, काफ़ी सुंदर। और ये पर्स मैं अभी ग्रॉसरी लेने गई थी, तो वहाँ पर एक कॉर्नर था, उस कॉर्नर में उन्होंने ये लगा रखे थे पर्सेज, और उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट कस्टमर हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर इन्होंने पहला दिन है इनका और मैं इनकी फर्स्ट कस्टमर हूँ, तो क्यों ना मैं इसे बाय करूँ। तो मैंने ये बाय किया था। नेक्स्ट जो पर्स है वो ये वाला पर्स है गाइस, और इसका जो कलर है क्रीम, इस वजह से मुझे ये पर्स काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसको आप सूट के साथ कैरी कर सकते हो, लहंगे के साथ कैरी कर सकते हो, और साड़ी के साथ भी, और काफ़ी अच्छा है। और इसका जो कलर है वो बहुत प्यारा है गाइस, और जब मैं इस पर्स को लेके जाती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी समझ में नहीं आया तो इस पर्स को उठा के और चल दूँ। तो काफ़ी सुंदर पर्स है। और ये मैंने मेरे चाचा जी की लड़की थी तो उसकी शादी में परचेज किया था, है ना सुंदर। तो नेक्स्ट जो पर्स है ये वाला पर्स, और ये मैंने लिया था जवाहर कला केंद्र से। मैंने इसका ब्लॉग भी बनाया हुआ है कि मैंने कहाँ से ये परचेज किया, तो आप जाके देख सकते हैं। ये जो मेले लगते हैं खादी ग्राम उद्योग के जवाहर कला केंद्र में, वहाँ से मैंने परचेज किया हुआ है। और ये कपड़े का पर्स है गाइस, ये दिखने के साथ जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना वैसे कैमरे में जितना अच्छा लग रहा है उतना वैसे भी अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि इसका जो कलर है ना येलो, इस कलर की वजह से मुझे पर्स काफ़ी प्यार लगा था। ये जब ये मैंने इस पर्स को देखा था तो देखते ही मेरा मन करा था कि मैं इसको ले लूँ। और इस पर भी पत्तियों का काम है, देखिए कितना सुंदर पर्स है, एक बूटा सा बना हुआ है बीच में, और काफ़ी सॉफ्ट है। गर्मियों में आप पर्स को लेते हैं तो पसीने आ जाते हैं हाथ में, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का पर्स होता है तो पसीने नहीं आएंगे, और सामान भी काफ़ी आ जाता है। देखिए पॉकेट भी बड़ी है, बट काफ़ी प्यारा है, काफ़ी रीजनेबल रेट पे मुझे मिल गया था, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। इसके बाद जो मेरा कलेक्शन है वो गाइस ये वाला पर्स मेरी जान है, हर पर्स के अंदर ये पर्स आसानी से आ जाता है, और इसमें इतनी सारी पॉकेट्स हैं कि मेरे सारे काम हो जाते हैं, जैसे मुझे पॉकेट चाहिए वैसे पर्स। और ये पर्स मेरी जिठानी ने मेरी बर्थडे पे दिया था, काफ़ी प्यारा पर्स है और काफ़ी लकी भी पर्स है। और इसके बाद जो पर्स है ये देखिए, इसका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है, देखिए मतलब ये पाम से भी बड़ा साइज़ है, और काफ़ी अच्छा लगता है, क्लच है ये, और स्मार्ट सा लुक देता है जब इस तरह के पर्स हम लेते हैं, तो अलग सा एक अटेंशन जाता है पार्टीज़ में कि हाँ समवन इज़ हैविंग यूनिक थिंग्स। तो इस तरह के कलेक्शंस मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, थोड़े पार्टी के होते हैं। और ये देखिए इसके अंदर भी चैन दी हुई है कि अगर आप हाथ में नहीं लेना चाहते हैं और टक करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। और इसका कलर गोल्डन है, तो पार्टीज में तो मस्ट है गोल्डन सिल्वर, ताकि हमारे सारे जो चॉइस है वो कंप्लीट हो सके। देखिए कितना व्यास, अब जाके इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, यहाँ से देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा चला ये पर्स। इसके बाद जो मेरा पर्स है, जो मेरा वन ऑफ फेवरेट पर्स, मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस पर्स को लेके जाती हूँ। इसका एक अब बहुत अच्छा कहते हैं सॉफ्ट लेदर है, एक तो ये हुई चीज़, और दूसरा ये हैंडी, इसको ऐसे गर्दन में जल्दी से टक किया, कहीं भी जाना हो
मार्केट जाना हो, डॉक्टर के जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, तो फट से कैरी कर सकते हो। इजीली आप कोई भी चीज़ देख सकते हो, आपके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। तो ये पर्स मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, मेरे सारे सामान आ जाते हैं। और काफ़ी सॉफ्ट भी है। और ये जो पर्स है, ये मैंने मेरे फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गई थी सूट की, तो वहाँ पर ये पर्स टंगे हुए थे और मेरी फ्रेंड को काफ़ी अच्छा लगा था, तो उसने मुझे बोला ये देखना एक बार। ऐसा होता है ना कि हम मार्केट जाते हैं और हम किसी और चीज़ में लगे होते हैं और किसी और का ध्यान उस चीज़ पे जाता है, और वो हमें सडन कहता है कि देखना कितनी सुंदर लग रही है। तो मेरे को भी अच्छी लगी और मैंने ये परचेज़ की, और इसका रेट भी काफ़ी रिजनेबल मुझे मिला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। इसके बाद जो मेरा पर्स है वो ये वाला पर्स है, ये भी पोर्टली काइंड ऑफ पर्स है। और ये पर्स जो है ये मिला था मुझे शादी में, और अगर आपके पास भी ऐसा पर्स हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ये पर्स मैं जहाँ तक समझती हूँ वो हर लेडीज़ के पास होगा, पोर्टली वाला पर्स। और इसके बाद जो पर्स है, ये वाला पर्स, ये कपड़े का बना हुआ पर्स है, और मेरी एक फ्रेंड है पुष्पा जी, वो स्टिच करती है, उन्होंने ये स्टिच किया था। और इसको हम टाइट करके पोटली भी बना सकते हैं, पोटली की तरह भी बन जाता है ये वाला पर्स। तो इसका जो कलर था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और ये पर्स मैंने परचेज नहीं किया, ये उन्होंने गिफ्ट में दिया था, ये देखिए। इसके बाद ये वाला पर्स है, और ये वाला पर्स मेरी मामा जी की लड़की हैं शशि दीदी, उन्होंने दिया था मुझे, और ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है बट एज ए गिफ्ट है, क्योंकि मैं वहाँ गई हुई थी और वो मेरे लिए लेके आई थी। और इसमें काफ़ी स्पेस है गाइस, देखिए, और काफ़ी प्यारा पर्स है। और इस तरह का एक पर्स और है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और इसका कलर बहुत प्यारा है, पिंक कलर, जो लेडीज़ का, गर्ल्स का फेवरेट होता है, देखिए कितना प्यारा कलर है। और एक पिकॉक भी बन रहा है इस पर, और इसमें लॉक सिस्टम भी है, देखिए। समटाइम क्या होता है कि जिसमें लॉक नहीं होता है ना, तो हमारी चैन ओपन हो जाती है और जो हमारे कॉइन्स वगैरह है वो निकल जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लॉक है, आपने कॉइन्स भी डाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी ज्वेलरी डाली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे ये ओपन नहीं होगा गाइस। उसके बाद ये वाला पर्स है सीक्वेंस का, और काफ़ी प्यारा पर्स है देखिए, और ये वेलवेट का पर्स है जो कि मेरी भाभी ने दिया था मुझे, और इसमें भी एक डोरी है। और ये देखिए इसमें क्या निकला है, सरप्राइज, एक और पर्स। और ये वाला पर्स जो है काफ़ी प्यारा पर्स है, पार्टी वेयर पर्स है। और ये जो पर्स इसके अंदर से निकला है, ये वाले पर्स के बारे में आपको बताऊं तो ये एक मोबाइल रखने वाला पर्स है, इसको आप टक भी कर सकते हो, और इसमें एक वेलग्रो भी लगा हुआ है, ये देखिए, अगर आपने पैसे रखे हैं तो वो निकलेंगे नहीं वेलग्रो की वजह से। और ये पर्स भी मेरी एक फ्रेंड है पुष्पा जी, वो बनाती है अपने हाथ से, तो जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। और जो मैं आपको बता रही थी ना पिंक जैसा पर्स मेरे हस्बैंड भी लेके आए थे, तो ये केके का पर्स है जो मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे पर लेके आए थे, और ये काफ़ी प्यारा पर्स है, इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है, और ये देखिए काफ़ी स्पेशियस है, और काफ़ी इसमें पॉकेट्स हैं अलग अलग, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर तो मस्ट होता है पर्स के कलेक्शन में, तो एक ये हुआ पर्स। और इसके बाद में मेरी मम्मी साउथ गए थे घूमने, तो वहाँ से ये वाला बैग लेके आए थे, तो इस पर एम्ब्रॉयडरी देखी। और इस पर्स को मैंने काफ़ी यूज़ किया है, बहुत हैंडी पर्स है, और ये वॉशेबल भी है, अगर ये गंदा हो जाए तो इसको वॉश भी कर सकते हैं, मैंने वॉश कर लिया है। और देखिए, और इसमें भी काफ़ी स्पेस है गाइस, तो मैं अपना सारा स्टफ इसमें रख लेती हूँ, और कहीं भी जाना तो फटाफट रेडी टू गो।
काफ़ी प्यारा पर्स है, यूनिक्स है, एम्ब्रॉयडरी भी है, और क्या चाहिए हमको। और इसके बाद जो कलेक्शन है वो इस पर्स का है। ये देखिए, इसमें एक यहाँ पर ब्रॉच लगा हुआ है, और ये भी काफ़ी हैंडी पर्स है। और देखिए, इसमें सामान ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, लिपस्टिक और थोड़े से पैसे रखने, तो वो आप आराम से कैरी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें कि इसमें आपके गॉगल्स भी आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं गाइस। बट लुकिंग अच्छी है, नाइस पर्स। सो इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ये वाला पर्स है जो कि पीच कलर का है, और इस तरह के पर्स तो काफ़ी लेडीज़ रखती हैं। तो मैंने इसको मार्केट में देखा और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको ले लिया था। इसको भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है। और लास्ट पर्स है मेरा ये वाला, और ये जो पर्स है ये फोल्डेबल पर्स है, इसको फोल्ड करके ओपन कर सकते हैं, देखिए। और एक ये वाला पर्स है, ये मेरी भाभी ने दिया था, मेरी भाभी जी ने, और ये भी काफ़ी प्यारा पर्स है। बट इसमें क्या हुआ था कि थोड़े टाइम बाद में यहाँ से ये लूज़ हो गई थी। बट काफ़ी हैंडी पर्स है, और स्मार्ट लुक है इसका, और इसका शेप भी काफ़ी प्यारा है, यूनिक सा शेप है, देखिए। और इसमें दो जिप है, देखिए, दो जिप है, और अंदर से भी काफ़ी स्पेस है। काफ़ी अच्छा पर्स है, और मैरून कलर वन ऑफ फेवरेट कलर जो कि लेडीज़ को चाहिए होता है, कि ऐसा पर्स कि कभी भी उठा के चल दे। एक ये वाला बैग है, ये हमने माउंट आबू से लिया था, जब हम माउंट आबू घूमने गए थे, तो वहाँ पर एक शॉप पे था, और ऐसा ही एक बैग मेरी भाभी ने भी लिया था। और इसका जो प्रिंट है वो मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। और इसमें हमारे पास क्या होता है गाइस, कि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है, और हमारे सामान सारे ठसाठस भरे हुए थे, तो हमें एक बैग चाहिए था, और वहाँ शॉप पे मुझे मिल गया था, तो मैंने इसको ले लिया था। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, और अगर आपको सामान नहीं रखना है, तो इसको एक कैरी बैग की तरह फोल्ड करके आप किसी और पर्स में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस पर्स की, और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। ये देखिए कितना सारा स्पेस है। और इसके बाद ये वाला बैग है जो कि काफ़ी लेडीज़ के पास होता है, इसमें भी दो जिप है, और काफ़ी सारा सामान, जब हम कहीं घूमने जाते हैं हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, हमारा खुद का और साथ में हमारे घर वालों का, तो इस तरह के बैग काफ़ी यूज़फुल रहते हैं गाइस। और पीछे भी एक बैग जिप होती है, जिसमें आपको रेंडमली कुछ निकालना हो, रखना हो, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाला बैग है गाइस, ये मेरी एक फ्रेंड है प्रज्ञा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कि आपको कौन सा पर्स अच्छा लगा, या आपके पास भी सेम मेमोरी है कि आपको किसी ने गिफ्ट किया है, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको लेटेस्ट ब्लॉग मिलते रहें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। लव यू, बाय बाय।